नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं 15 अगस्त पर रचे जाने वाले उस षड्यंत्र के विषय में जिस पर काम कर रहा है राकेश डकैत चढ़ूनी और उसका पूरा गिरोह। इशारे पर किसके? कनाडा में बैठे हुए एक ऐसे आतंकवादी के इशारे पर जो कि भारत में बैन है, जिसका पूरा चैनल ही भारत में बैन है। और आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से दिल्ली के बॉर्डर्स पर अय्याशियों का जमावड़ा है, दारू खुलेआम चल रही है, लेकिन फिर भी राकेश डकैत है कि अपनी शान से मूछें घुमा रहा है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि ममता बनर्जी दिल्ली आकर के वापस चली गई, राकेश डकैत को उसने शक्ल तक नहीं दिखाई। और ये वही राकेश डकैत है जो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में सरकार तो हम ही ने बनाई है। ये वही राकेश डकैत है जो कहता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो मैंने ही बनाई है और योगी जी को तो मैंने ही सीएम बनाया है। वो अलग बात है कि इनकी कांचली सी उसी समय पर उतर गई थी जब एक हरियाणवी पत्रकार ने टीवी पर बैठ करके इनको भिगो भिगो कर जूते मारे थे और ये पूछ लिया था कि जब सारी सरकारें आपने ही बनाई हैं तो आपकी खुद की जमानत क्यों जब्त हो गई थी। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन सबसे पहले एक निवेदन है। जब से स्ट्राइक आई है, हालांकि स्ट्राइक तो रिवोक हो गई है, लेकिन उसके बाद में चैनल की रीच पूरी तरीके से खत्म हो गई है। उसके बाद मैंने काफी सारे मित्रों से बातचीत की, उन्होंने ये पाया कि उनका नोटिफिकेशन जो आता है वो अब आ ही नहीं रहा है और उनका जो बेल आइकन है वो भी डीएक्टिवेट हो गया है। इस वजह से आप सभी एक बार अपना बेल आइकन देख लीजिए, सबसे ऊपर का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, अन्यथा आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएंगे। अभी मैं चैनल पर वापस एक्टिव होने वाला हूं, इस वजह से नोटिफिकेशंस के लिए इस कार्य को करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले खालिस्तान समर्थक और खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देने वाले एक कनाडाई भारतीय मूल के व्यक्ति के विषय में जिसने एक बार फिर से आग धधकाने का कार्य किया है। दोस्तों आपको ये पता है कि 26 जनवरी के दिन पहले ही इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि लाल किले पर हमने अपना निशान साफ चढ़ाना है और खालिस्तान का झंडा फहराना है। इसके पहले ही कम से कम दसियों बार राकेश डकैत इस बात को कह चुका था कि हमें 26 जनवरी को लाल किले की तरफ कूच करनी है। वो सारे के सारे वीडियोस हमने आपको दिखाए भी थे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर वो पड़े भी हुए हैं, वहां पर जाकर आप देख लेना, पिन कमेंट में लिंक हमेशा देता हूं। दोस्तों जब दसियों बार इस बात को कह भी दिया राकेश डकैत ने कि हमने वहां जाना है, वहीं हम नेताओं मंत्रियों से मीटिंग करेंगे, उसके बावजूद जब 26 जनवरी का आतंक हुआ, देश की नाक कटी, कलंक लगा, उसके बाद में क्या हुआ? राकेश डकैत ने रोना शुरू कर दिया और उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं था, पुलिस तो हमारा हाथ पकड़ करके वहां पर लेकर के गई थी। यानी कि इसने अपनी बात से तुरंत ही मुंह मोड़ लिया, यू टर्न मार लिया और अपनी इज्जत जो कि इसकी कभी थी ही नहीं आंसुओं में बहा दी। और उसके बाद में क्या हुआ कि पंजाब की सरकार ने उन सभी लोगों के केस लड़ने के लिए ना केवल वकील लगाए बल्कि उनको पैसे भी दिए थे। अर्थात 26 जनवरी एक पूर्ण नियोजित कार्यक्रम था जिसमें कि पहले इनाम की घोषणा की हुई थी। राकेश डकैत ने इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और अब ये अपने आप में दूध का धुला बना हुआ फिर रहा है। अब दूसरी चीज पर आते हैं कि एक बार फिर से खालिस्तानियों ने 15 अगस्त पर जितने भी लोग हैं जो भी तिरंगा फहराएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उन सब लोगों को रोकने के लिए इनाम घोषणा कर दी है। और इसी के साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन, ये वही यूनियन है जिसका मुखिया बना बैठा है इस टाइम पर राकेश डकैत, इस भारतीय किसान यूनियन ने कह दिया है कि हम नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को झंडा नहीं चढ़ाने देंगे। अब आप देखिए कि खालिस्तान से कनाडा से खालिस्तानी समर्थक लोग कह रहे हैं कि तिरंगे का अंतिम संस्कार करना है, बिल्कुल चढ़ने नहीं देना है और हमें अपने झंडे चढ़ाने हैं, और यहां पर भारतीय किसान यूनियन तुरंत कूद करके कहता है कि हमने तिरंगा चढ़ने ही नहीं देना है। अब आप खुद सोचिए कि ये सब कुछ भारतवर्ष में चल क्या रहा है।
और ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने सरकार बनाई थी, हमने सरकार बनाई थी। ममता बनर्जी, जिसकी सरकार बनाने का पूरा दावा राकेश डकैत ने कर दिया था, वो उससे मिलने तक नहीं आई। बस इतनी सी औकात है राकेश डकैत की, वो अपनी जमानत तक नहीं बचा सकते, लेकिन इस बात के दावे पूरे करते हैं कि उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार बनाई, उन्होंने योगी जी को खुद सीएम बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 306 सीट जीत करके खुद राकेश डकैत ने ही थाली में सजा करके दी थी। खुद की जमानत नहीं बची वो बात अलग है, खुद बेइज्जत होते फिरते हैं टीवी चैनल्स पर वो बात अलग है, लेकिन ये बात इसी में ही है कि सबके किंग मेकर खुद राकेश डकैत ही हैं। कलंकित करने का कार्य 26 जनवरी को किया, कलंकित करने का कार्य वापस 15 अगस्त का चल रहा है। मेरे देश का वासी निवासी सो रहा है, मेरे देश की विश्वास जीतने वाली सरकार अभी हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई है, लेकिन कलंक लगाने का कार्य टीकरी बॉर्डर से एक बार फिर से शुरू हो चुका है। वैसे तो यह हर एक बॉर्डर पर चल रहा है, लेकिन जो स्टिंग ऑपरेशंस हैं वो कुछ एक बॉर्डर्स के आए हैं। इन बॉर्डर्स की जो स्थिति है, जो हालत है, जो दुर्दशा है, वो आप लोग परिवार के साथ में नहीं देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इससे अगली वीडियो मैं जी हिंदुस्तान से लेकर के यहाँ पर पोस्ट करूँ, ताकि आप इस अय्यास जीवी ऑपरेशन को देख सकें। इसमें मैं सिर्फ साइलेंट वीडियोस चलाऊंगा। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूं कि ये वीडियोस मैं यहां पर नहीं चला सकता। आप खुद देख सकते हैं कि यहां पर रहने वाले स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं कि दूध की तरह जिस प्रकार लाइन लगती है, उस प्रकार से यहां पर सेक्स वर्कर्स जो आती हैं 50-50 एक एक बार में, उनके लिए लाइन लगती है यहाँ पर। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद पढ़ सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि ये लोग कौन हैं, कौन लोग यहाँ पर इस प्रकार लाइन लगा करके खड़े होते हैं। और यही नहीं, ये लोग जहाँ पर ये याशी करते हैं उसका वीडियो बनाते हैं या फिर लाइव चैट करते हैं अपने दोस्तों के साथ, और उनको वहाँ से बुलाते हैं कि आ जाओ, यहाँ अय्याशी चल रही है, खुली दारू हमें ऐसे ओक से पीने को मिल रही है और खुली लड़कियाँ यहाँ पर हमें मिल रही हैं। अब आप सोच सकते हैं खुद कि ये बॉर्डर्स पर क्या किसान हैं, या फिर ये अय्याशियों की जमात है, या फिर ये आड़तियों का भेजा हुआ बनाया हुआ एक प्रपंच है। देश को तोड़ने के लिए खालिस्तानी या पाकिस्तानी क्या कम थे कि आज हमारे भारत में बैठे हुए वो लोग जो किसानों की ठेकेदारी करते हैं, जो किसानों के नाम पर अपने संगठन बनाते हैं, जो किसानों के नाम पर चंदों की उगाही करते हैं और जो उगाही कर करके 350-300 एकड़ के मालिक बने बैठे हैं, जिनके बच्चे खुद ऑस्ट्रेलिया में हैं और ये आप लोगों के बच्चों को बॉर्डर्स पर घसीट रहे हैं, जहाँ पर पहले भी कई महिलाओं के साथ में दुष्कर्म हो चुका है, जहाँ पर पहले भी कई कई टन दारू आकर जा चुकी है और पकड़ी जा चुकी है, जहां पर पहले भी कई लड़कियों का अपहरण करके उन्हें पंजाब में नजरबंद कर दिया गया, और जहां पर किडनैपिंग हुई, जहां पर हत्याएं हुई, जहां पर लोगों को गोली मारी गई, जिंदा जलाया गया या फिर जहर की गोलियां तक दी गई, उन बॉर्डर्स पर चलने वाले इन आड़तियों के द्वारा पोषित इन आंदोलन में नहीं कहूंगा इसको, इन षड्यंत्रों पर आपका विश्वास भला कैसे जमता है, कैसे जमता है, और वो भी उन लोगों के ऊपर जो खुद मुजफ्फरनगर में खड़े होकर के बलिदानी सचिन और गौरव के बलिदान को भूल करके उन मुसलमानों के साथ में खड़े होकर के अल्लाह अकबर के नारे, तकबीर के नारे लगा चुके हैं, जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा, जिन लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर झूठे केस चला करके उनको जेलों में ठुसवाया था, उन लोगों के साथ में गलबैया लड़ाई गई, उन लोगों के जयंत चौधरी ने पैर छुए, जिन लोगों ने हमारे लोगों को जेलों में ठुसवाया और आजम खान से फोन करवा के अपने लोगों को बाहर निकलवाया, उन लोगों को आज गले मिला रहे हैं ये भारतीय किसान यूनियन के लोग, जिन लोगों ने विक्टिम कार्ड खेला, सारा मुआवजा खुद लिया और फिर भी हिंदू वहां पर पापी ही बना रहा, और किसके खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ जिनने आते ही मुजफ्फरनगर में न्याय किया। फैसला आप लोगों को करना है कि आप लोग
किस तरफ है, इन अय्याशों के साथ में है, बॉर्डर्स पर होने वाली नित नई षड्यंत्रकारी घटनाओं के पक्ष में है, उन उठती हुई लड़कियों, किडनैप होती हुई लड़कियों के खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं, क्या आप उनके साथ में हैं, क्या उन किसानों के खिलाफ हैं जिनके रास्ते रोकने की वजह से दिल्ली के बॉर्डर्स सील हो गए हैं, क्या आप उन किसानों के खिलाफ हैं जिनकी फसलें इन धरनों से, इन षड्यंत्रों से बर्बाद हुई हैं, क्या आप उनके साथ में हैं जो कनाडा में बैठकर के तिरंगे को जलाने की बात करते हैं, तिरंगे के अंतिम संस्कार की बात करते हैं, उन लोगों के साथ हैं क्या आप जिन लोगों ने कनाडा में बैठकर के $5-5 million का इनाम यहाँ लाल किले को कलंकित कर वहाँ पर तिरंगे को फेंकने वालों को दिया है, क्या आप उन लोगों के साथ में हैं जो लोग आज कह रहे हैं कि हम तिरंगा नहीं चढ़ने देंगे, क्या आप उन लोगों के साथ में हैं जो 15 अगस्त का षड्यंत्र रच रहे हैं, आप किसके साथ में हैं, खुद अपने गिरेवान में झांकते हुए खुद से सवाल पूछिए, क्योंकि असली जवाब वहीं से मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इन सभी के सभी अय्याशी गिरोहों का हम पर्दाफाश करते रहेंगे, इसी प्रकार से आप हमारे साथ में बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं इसलिए 10 मिनट का समय लगाकर इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।